bebé, sabe, bebé, super hasta bebé, sama que sa. बालों को अगर चमकदार बनाना हो या नर्म मुलायम, या रखना हो जिल्द को शफाफ, थकावट को दूर भगाना हो या इन्फेक्शन को घटाना हो, या आँखों की बीनाई हो, जोड़ों का दर्द हो या दिल की बीमारी हो, इन मसलों का हल है किसके पास, किसके हैं ये कमालात, ये शिफाई खसूसियात और गजाई जरूरतों का तोहफा कुदरत ने रखा है गाजर में। गाजर के हवाले से एक बात का इंकशाफ ये भी हुआ कि ये सब्जी के तौर पर खाना तो बहुत बाद में शुरू हुआ है, पहले इसे मुख्तलिफ अमराज के इलाज में बतौर जड़ी बूटी इस्तेमाल किया जाता रहा। इसीलिए तमाम मुआलिजीन गाजर खाने का मशवरा जरूर देते हैं। गाजर में विटामिन ए, बी, सी और ई के अलावा मादनियात भी पाए जाते हैं। कच्ची गाजर का जूस पीने से न सिर्फ चेहरा साफ शफाफ होता है बल्कि हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती है। गाजर को खुश्क सुफूफ बनाकर खाने से सर दर्द और जोड़ों के दर्द की तकलीफ से मिलती है नजात। इस कुदरती तोहफे की बात आज होगी हमारे शो में। बताएंगे आज के हमारे एक्सपर्ट गाजर के बारे में। थैंक यू सो मच भाई, इतना प्यारा सुंदर सा गाना गाया। और ये बेसिकली गाना नहीं है, मुझे कभी कभी लगता है कि ये दुआ है। और जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, हमारी दुआ यही है कि हर बगिया में फूल खिलें और हमारी पाक सरजमीन इतनी खूबसूरत, इतनी महफूज हो जाए हमारे बच्चों के लिए, हमारी ख़वातीन के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बाप के लिए, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब लोगों के लिए खूबसूरत जगह हो जाए। और फिर दुनिया जहान के लोग कहें कि आओ यहाँ 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 चलें। आज का जो शो है जनाब,
ये एक ऐसी चीज़ के बारे में है कि अगर आप ये खा लेना तो आपकी भी ज़िंदगी में, आपके जहन में और आपकी सेहत के बगिया में भी फूल खिलने लग जाए। लेकिन देखिए, हर चीज़ का तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर चीज़ की ज़्यादती बहुत ही ख़राब होती है। जैसे पानी आप एक कहते हैं ना कि 2-3-4 किलो कहते हैं, 2 लीटर इस बिल्कुल ठीक है, 3 ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है। कहीं ना कहीं आपको उसकी भी पानी की वजह से भी वाटर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कम पीने की वजह से भी बहुत ज़्यादा पीने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, किडनीज जो है ना वो पागल हो जाती हैं कि इसको क्या हो गया भाई, ये पिए जा रही मैं इतना काम कैसे करूँगी। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, नींद की ज़्यादती भी बहुत बुरी है, और अगर नींद कम ली जाए तो वो भी सेहत के लिए बहुत बुरी। तो हर चीज़ एतदाल में रह के करनी चाहिए। और आज की जो हमारी सब्ज़ी है, वैसे मुझे ये फल लगती है, तो मैं हमारे हमेशा से बचपन में मुझे लगता था कि ये फल है, ये सब्ज़ी नहीं हो सकती। सो मैं हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे पूछूंगी जनाब कि ये फल है या सब्ज़ी है और इसके क्या क्या फ़वाद हैं। फ़वाद में मैं आपको बता दूं कि जितने भी मर्द और ख़वातीन हमें देख रही हैं जनाब, इस एक चीज़ से आपकी सेहत के बहुत सारे मसले, आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। और ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जो आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है, हमेशा से कहा जाता है, पहचान जाएंगे सारे, कौन सी सब्ज़ी है? गाजर। सो आज का हमारा शो है गाजर पे। सबसे पहले तो जो हमारी पैनलिस्ट हैं उनको जरा अच्छी तालियों से वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो बिल्किस आपा के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि भाई बहुत मौसम सर्द है और जो स्किन है वो तबाह बर्बाद हो रही है क्योंकि हम अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज नहीं कर रहे। तो आपा खुश जल की क्रीम, बालों के लिए मास, वो भी गाजर साथ में, जो झुरियों के जो झुरियाँ पड़ जाती हैं उसका इलाज है। दोबारा से जी हम वेलकम करेंगे हकीम अब्दुल बासित साहब को, जोरदार तालियां जी। बालों की खूबसूरती, स्किन, फेस मास्क और साथ में ये स्मूदी ड्रिंक्स भी यहाँ पे बनाएंगे, जोरदार ताली होनी चाहिए हकीम शाह नज़ीर साहब के लिए भी, क्योंकि हकीम शाह नज़ीर साहब जो है ना, ये वजन कम करने का ड्रिंक, गाजर से वजन कम हो सकता है और जो आपके हार्मोनल इम्बेलेंस होता है उसको भी ठीक किया जा सकता है। और डॉक्टर खुरम के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि अस्सलामुअलैकुम, गाजर की क्रीम के अंदर बकरी का दूध कैसे मिला के आपका रंग, और मैं सही कह रही हूँ मेरी बात, आप लोग मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्यों डॉक्टर खुरम, मैं सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हैं मदिया, वो बकरी के दूध के साथ और उसके अंदर पावर आती है, ब्यूटी आएगी, तमाम खातिन आज पिंक और व्हाइट जाएंगी, पिंक और वाइट एग्जैक्टली, और बालों में भी जो है जी वो जो चमक है वो गाजर की वजह से। वैसे मुझे नहीं पता कि गाजर से बालों के लिए भी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आपा मैंने हमेशा मूली के बारे में सुना है कि मूली से, मूली के बीज, मूली के पत्ते, इनको अगर सरसों के तेल में पकाया जाए और बालों में लगाया जाए तो बाल बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। वो बिल्कुल सही है वो, लेकिन गाजर जो है वो भी विटामिन ए का ख़जाना है, और तो विटामिन ए का काम है फंगस को और उसको दूर करना, ख़त्म करना, ठीक है। तो कैरेट एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है जो आपकी झुरियों वगैरह के लिए होता है, लेकिन एक्सपेंसिव होता है, तो उसका भी हम इन्फ्यूजन बता देंगे, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। वैसे आपका कितने का, कितना महंगा होता होगा जो कैरेट्स के एसेंशियल ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं? देखिए मेरे ख्याल में 25,000-30,000, इससे भी ज़्यादा महंगा, इससे भी ज़्यादा महंगा। अगर आप बना सकते हैं, बनाने का तरीका बता सकते हैं? मैं इन्फ्यूज करने का तरीका बता दूंगी, इन्फ्यूजन हो जाएगा गाजर के बीज से, क्योंकि कैरेट सीड ऑयल निकलता है ना, तो इन्फ्यूजन बता दूंगी, उसके करीब करीब वो चीज चली जाएगी। ओके ठीक है, वही मैं आज बताऊंगी। और वैसे भी जितने भी जदीद ट्रीटमेंट आ रहे हैं उसमें जब एचए सीरम के साथ कैरेट ऑयल को मिक्स करके लगाया जाता है, हम अपने क्लिनिक पे भी ये चीज करते हैं, लेकिन मैं बता दूंगी आज के आप घर में कैसे कर सकते हैं। बस ठीक है जनाब, कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे आवाज नहीं आ रही। एक और चीज है, आज हमारे साथ डॉक्टर सदफ भी हैं जो कि डेंटल सर्जन है, एनेस्थेसियन है, और ये आज यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने पीआरपी टेक्निक्स के बारे में बड़ा सुना होगा, लोग करवा रहे हैं पीआरपी के जी, आपके ब्लड में से प्लाज्मा लेके आपकी स्किन ट्रीटमेंट की जाती है, बालों पे भी ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो क्या चीज़ है आज हमारे शो में हम आपको दिखाएंगे, और साथ में बुटॉक्स के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो अगर बुटॉक्स में अभी बात करते हैं ना, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। सो एक
अच्छी एज में अगर आप बोटॉक्स कराएं और अच्छा और मुनासिब कराएं, ज़्यादा नहीं कराएं, लाइक ईजी रह के कराएं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बोटॉक्स करा लें तो फिर जैसे पिछले दिनों मैंने एक फिल्म देखी, फिल्म टाइगर जिंदा है, और पूरी फिल्म में मैं सिर्फ कैटरीना कैफ को देख के सिर्फ यही कहती रही हूँ कि हाय हाय इसने क्या कर लिया, क्योंकि पूरे चेहरे पर आपने देखे नहीं ट्रेलर देखा फिल्म का, आप देखेंगे तो आपको भी जरूर सदमा होगा कि आप कहेंगे मेरे पास क्यों नहीं आई है बोटॉक्स के लिए। जी बोटॉक्स करेंगे उसका जी जी बेसिकली 10 साल से ज्यादा नहीं चलते, ज्यादा से ज्यादा हम बताएंगे। और गाजर के बारे में जी जी, गाजर के बारे में एक अहम चीज़ ये बताई जाएगी कि गाजर के ऊपर जो सब्ज घास होती है या उसके जो पत्तियाँ होती हैं जी जी, वो हमारी विजा का हिस्सा बनाए गए। चले जी, ये हमारा लाइव शो चल रहा है और इसमें डॉक्टर खुरम की जो फैन है वो भी वॉक करते करते सुबह आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चले जी, क्या कह रही हैं आप आंटी? मैं बड़ी खुश हुई हूं। कैसी आप? कैसी आप आंटी? ठीक है। चले, आप उधर की दूर क्यों बैठी हैं? आप इधर आ जाना, जरा पास आ जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही पर दूर से आ रही है जी, कौन बात कर रही है? चले मैं अभी कॉल जरा बाद में लेती हूँ। अच्छा आपा, वैसे गाजर के क्या क्या फायदे हैं, क्यों हमारे घर में गाजर, बिल्कुल आ जाएं, क्यों हमारे घर में गाजर होना बहुत जरूरी है? वैसे तो मेरे भाई हैं, सब बता देंगे। वैसे इस कैंसर में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं जब आई थी ना, कैंसर का इलाज भी होता है। मैं आई थी ना तो मैं जैस जो मुशाहदे करते हैं ना उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि गाजर आँखों के लिए क्यों ज़रूरी, ये मैंने बना के रखा था, अगर इसको क्लोज किया जाए, कुदरत ने इसके अंदर ही आँख की पूरी जो अगर हाँ पूरी शेप है, ठीक है, देखिए अब मैं इसको आपके सामने हाँ पूरा इवन के ये देखिए नुक्ते तक है, ये देखिए पूरी आँख बनी हुई आपके सामने मैंने काटा, ये इसलिए आँखों के लिए ज़रूरी है कि इस आप हम मतलब नेचुरोपैथ जब मुशाहदे करते हैं ना, देखें ये देखें पूरी आँख बनी हुई, मैं इसको इस तरह करके बता रही हूँ, पूरी पूरी इवन कि डॉट जो हमारा है ना जी जी वो तक है, बिल्कुल इसके अंदर वो तक आपको नजर आएगा। तो और वैसे विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसमें जो दूसरे विटामिन है वो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसका गाजर का जूस पिया जाए, और जैसे होते हैं ना कि एनर्जी के लिए एनर्जी बूस्टर है, आपको इतनी एनर्जी देती है जो कमज़ोर अगर जो कमज़ोर हैं वो अगर गाजर का जूस पिए तो पूरा दिन एनर्जाइज रहता है। जैसे होता है लथार्जिक होते हैं, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा है, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ें। और अगर कहा जाए इसको कि कुदरती स्टेरॉइड है तो इसमें कोई 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 गलत बात, कोई गलत बात नहीं, इतना ज़्यादा होता जी इसमें कैरेटीन बहुत बहुत ज़रूरी है जिस्म के लिए, नज़रों के लिए, दिमाग के लिए, कैरेटिन इसमें बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। अच्छा बच्चों को मुझे याद है बचपन में क्योंकि जब अम्मी मैं रोज़ मुझे एक गाजर भी खाने के लिए देती थी, मैं गाजर बहुत शौक से खाती थी, पूरी गाजर खाया करती थी। आपके दांत जभी तो बहुत मजबूत हैं, ये याद रखें कि जो गाजर खाता है बचपन में उनके दांत बड़े खूबसूरत भी होते हैं आपकी तरह और मजबूत भी होते हैं। गाजर का एक खासा ये भी है कि ये मसूड़ों की बेहतरीन दवा है, मसूड़ों की बेहतरीन दवा है, हाँ, चबाने से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मुशायना बात कर रही हूँ जी, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ए वन जनाब, क्या पूछना चाहेंगे आज? तो हमारे हमने यहाँ पे गुलदस्ता सजाया हुआ है हमारे अहम पैनलिस्ट का, डॉक्टर्स का। डॉक्टर मनप्रीत से बात करनी है। मेरी जान जरूर कीजिए जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया अदा करना था आपका, किस लिए बेटा? आपने उत्तर दिया था और आपके क्लिनिक पर गई थी, आप बहुत अच्छी है।
अच्छा कोई बात, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं किस चीज के लिए भाई आवाज कमा रही है? चले कॉल ड्रॉप होगी, चले मैं अभी जब कॉल जब जरा थोड़ी सी बाद में लेती हूँ। अच्छा आपा, पहली चीज हम क्या बनाने जा रहे हैं गाजर से और उसका क्या फायदा होगा? पहली चीज मैं बनाने जा रही हूँ स्किन के लिए, ठीक है। कराची में तो गर्मी आई है, कभी थोड़ा सा मौसम हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन मुल्क के दूसरे शहरों में जो है ना ठंडक है, तो आप गाजर से कैसे फ़ायदा उठाएं, अपनी खुश्क जिल्द को कैसे नरम और मुलायम बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ आपने क्या करना है। गाजर का जूस लेना, बना के रख लिया था पहले से ही ना, और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जी। आप आपने गाजर का पल्प पहले से निकाल लिया? जी जी बिल्कुल निकाल लिया था। इसमें मक्खन डालूंगी मैं। अच्छा मक्खन में अगर नमक नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। घर का जो बना हुआ मक्खन होता है, हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये क्रीम बन जाएगी, ठीक है, सही है। इसमें अंडे की जर्दी है एक, अच्छा ये अज्जा ऐसे हैं कि आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई फ्लेकी स्किन होती है, स्किन उतरती रहती है, गाजर जो है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप जब इसकी बात करें तो लोग उसको वैसे, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होती तो वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, वो इस वजह से क्योंकि जिसको जितनी स्किन ड्राई होती है उसको इचिंग उतनी ज़्यादा होती है, स्पेशली जो एग्जिमा के जो हैं। अच्छा जिसम का कोई हिस्सा जल जाए या ऐसे कुछ ज़ख़म हो जाए तो फौरन जिस तरीके से बिल्किस ने ये बना के रखा हुआ है स्मूथी सी बना लें और फौरन उस जगह पर लेप लगा दें, तो एक घंटे में उधर सुकून भी हो जाएगा, जलन भी कम होगी और ज़ख़म के निशानात भी नहीं आएंगे। खारिश भी दूर हो जाएगी। ये देखिए मक्खन, अंडे की जर्दी और गाजर का पल्प चूस ली, जैसे गाजर का पल्प कर लिया वो, और इसको आपने इसको हाँ, और इसमें लेमन के चंद कतरे वो मिलाएं जिनको स्किन की कोई डिजीज नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन लेमन वो लोग ना मिलाए जो फ्लेकी स्किन उतरती रहती है, एक्जिमा या सोराइसिस है, वो ना लाए। और जो हाँ लाइकन प्लैनर जिस तरह जो होते हैं ना, जो फंगस जो होते हैं अलग अलग नाम होते हैं, वो भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन मक्खन आपका घर का होना चाहिए। मक्खन घर का, अगर मक्खन नहीं मिलता तो आप इसमें देसी घी डालें, देसी घी तो बहुत अगर मक्खन नहीं मिलता तो देसी घी डालें। देसी घी आपने डाला, आपने गाजर का पल्प डाला, आपने अंडे की जर्दी डाली, आपने अच्छी तरह ब्लेंड किया, आपकी क्रीम तैयार हो गई। ये क्रीम बना के रखें या इसको इसी तरह लगाएं, आप भी रख सकते हैं, खराब तो नहीं हो जाएगी कि पानी का कतरा गिरा खराब हो गई? नहीं पल्प है तो मतलब कि खराब हो सकती है ना, सारे वो इसमें जर्दी भी है ना, हाँ। जर्दी भी तो हम अच्छा आपको जर्दी स्मेल नहीं आएगी, ये तो मैं पूछना ही भूल गई। आप देखें आरी गाजर का, वो इसको खा जाता है, बिल्कुल भी नहीं आती। जब मक्खन के साथ जर्दी मिलती है और गाजर की जो खुशबू होती है, जो गाजर का वो उसको बिल्कुल कोई भी यहाँ देख ले कि इसमें कोई इतनी सी भी बदबू नहीं है। हाँ बिल्कुल, इतनी सी भी नहीं। अच्छा तो मेरे कहने पे आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं हमारी जरा ऑडियंस को ना जरा ऑडियंस को ट्राई करवाती हूँ। अंडे की जर्दी डाली है तो आंटी आप मुझे बताएं इसमें से स्मेल आ रही है? अंडे की जर्दी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, तो आप इसको बड़े आराम से बना के रख सकते हैं। और आपा ये कितने दिन तक चलेगा अगर हम बना लें तो? बस वैसे तो शान सही कह रहा है कि आप इतना बनाएं कि जितना आपको लगाना है, और हाँ। ये बच्चों को भी जैसे मसाज करते हैं ना, आपने बच्चों को इससे पूरे फुल बॉडी मसाज किया, आधा घंटा धूप में छोड़ा, जैसे धूप दे दे तो अच्छा होता है, उसके बाद आपने निला दिया, निलाने के लिए थोड़ा नीम गर्म पानी ताकि उतर जाए, उसके बाद आप सोप का इस पर इस्तेमाल करें, आप यकीन करें स्किन इतनी नर्म मुलायम इतनी अच्छी हो जाती है। और आपा ये हड्डियों के लिए अच्छा है बच्चों की? नहीं बच्चों बड्डियों के लिए से क्यों नहीं, लेकिन आपकी स्किन के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा है। अगर बच्चे हड्डियों के लिए तो खाने के लिए अच्छा है, फिर ये बना के खा लें बस ठीक है। ये फिर बना के हाँ, देसी घी, गाजर, अंडे की जर्दी, तमाम वो चीजें, लेकिन अंडे की जर्दी थोड़ा सा वो कर लेना जी। गाजर जो है सुबह निहार मुंह रोजाना एक गाजर खाएं कम से कम 40 दिन तक, 40 ये डार्क सर्कल खत्म हो जाता है आंखों के नीचे। वाओ डार्क सर्कल, सो 40 दिन जिन लोगों को डार्क सर्कल्स हैं, गाजर सुबह निहार मुंह 40 दिन तक डार्क सर्कल चले जाएंगे। और प्लीज जो ये करें वो हमें बताए जरूर कि आपका रिजल्ट कैसा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद इससे पहले कि आपा आपको बताएं कि आप गाजर की हेल्प से जो आपके चेहरे पे एक्नी हो जाती है जिससे लोग इतना परेशान होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल तो आपकी जो एक्नी है ना चेहरे पे ख़त्म कर देती है, तो उस एक्नी को हम दूर कैसे भगा सकते हैं. लेकिन उससे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए ठीक ठाक हैं? शुक्र मतिया. मैं सबसे पहले आपके जो लोग फोन अटेंड करते हैं जी माशाल्लाह वो इतने अच्छे हैं, ऐसे लगता है कि मैं अपने भाई से बात. चले ये तो अच्छी बात है. तो अच्छी बात है. ये देखिए एक फैमिली है, ये हम सब आपस में बहन भाई हैं. बिल्कुल ऐसी चीज है. अच्छा क्या कहना चाहेंगी आप मुझे? मैं हकीम जी जी चाहूंगी. हकीम शाना जी जी हकीम शाना जी साहब से बिल्कुल बात कीजिए. हकीम साहब मेरा बेटा है 1.5 साल का. मुझे उसका उसको पैदा हुआ था तब से उसको कॉलेज चेंज की थी कि वो सो नहीं सकता है और अभी भी ये हालत है. फिर जरा भी खा लेगा फौरन उसको कॉलेज चेंज शुरू हो जाएंगी. कॉलेज ठीक है कॉलेज जी मैं समझ गया. चलिए ठीक है. आप प्लीज़ शो देखती रहे, मैं जल्दी से कॉल्स और ले लेती हूँ. तो शानजी साहब प्लीज़ याद रखिएगा कि आप उसका जवाब दे सकें. कॉलर साथ है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? सलीम कराची से. जी कैसी हैं? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र. मैंने फर्स्ट टाइम कॉल करी है इंशाल्लाह वो चले. बहुत थैंक यू सो मच जी. मेरे दो सवाल हैं. जी जी ठीक है बोले जी. पहला तो मेरा ये सवाल है कि मेरे खुश्की हो जाती है और और दूसरा ये है कि मेरी सिस्टर है उन्हें बुखार हो गया था मुझे डबल आवाज आ रही है इसलिए मैं अच्छा मीजान आपने कहा. दूसरा आपका सवाल ये कि आपको बुखार हो गया था. इस्तेमाल करा उसका एक दिन में खाइए तो अब उनका मैं I'm sorry, आपकी आवाज़ में क्लियर नहीं आ रही. बट यस बालों की खुश्की के लिए जो है वो बिल्कुल कर आप बताएंगे आपको क्या करना चाहिए. अच्छा जी कॉलिक अगर बच्चा हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कॉलिक के लिए सबसे बेहतरीन आप अर्के चहार आता है. अर्के चहार 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को दें, हर खाने के बाद दे दें. और जब अगर उसको पेन शिद्दत में हो रहा हो तो आप किसी तौलिए को किसी भी चीज़ को गर्म करके आप पेट पर टकोर दें, उसकी सिकाई करवाएँ. एक ये करवाएं. दूसरा ये है कि अपने पिट्स के डॉक्टर से भी मशवरा जारी रखें. सही ठीक है. आपा बालों की खुश्की? बालों की खुश्की के लिए जैसे आज हम प्रोग्राम करें तो गाजर भी बहुत अच्छा होता है बालों की खुश्की के लिए. पुदीना गाजर कमीला एक बूटी आती है उसका पाउडर आपने क्या करना है, गाजर का पल्प आपने निकाल दिया आधा कप, पुदीने के चंद पत्ते आप उसके साथ ब्लेंड कर दें, उसके में कमीला पाउडर 1 चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके सर की जड़ों में लगाएँ या नीम का तेल, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. कॉलिक के लिए एक मैं मुख्तसर से चीज़ बता दूँ, सुहागा बड़ी अच्छी चीज़ है. सुहागा को थोड़ा सा तवे में डाल के बिरिया कर लें, यानी कि उसको जला लें, उसके बाद उसका पाउडर बच्चे की जो है पेट की तरफ और सारा उस जगह पर उसको आप बाकायदा लगाएँ. अच्छा. उससे मलें सुहागा तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है. अच्छा आप एक्नी के लिए गाजर से क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? इसमें 3 चीज़ें बस, नीम के पत्ते, पुदीना और गाजर का पल्प. ये तैयार हो गया. नीम तो वैसे क्लियर करता है जी. नीम गाजर और पुदीना. इसलिए आपको बहुत सारे ऐसे फेस वॉश जो कि एक्नी के लिए होते हैं उसमें नीम और पुदीना होता है. बिल्कुल होता है. ठीक है तो बस क्योंकि ये हमने विटामिन ए के लिए लिया है इससे फौरन जो है ना सूखना शुरू हो जाते हैं. बस आपने क्या करना है ये लगाना है, लगाने के बाद आपने आधे से 1 घंटे छोड़ना है. उसके बाद जब आप धोएंगे
तो याद रखिएगा सिर्फ रोज़ वाटर से इसको साफ कर लें, फिर आप सोप या कास्टिक सोडा या पाम कोई पाम ऑयल ऑयल वाला भी कुछ भी आपने यूज़ करें। ये जो डबल हो जाता है ना कि जैसे आपने कोई भी हर्बल रेमेडी की उसके बाद फौरन आपने सोप भी लगा लिया केमिकल मुंह पे लग गया, फिर रिएक्शन आ सकता है। ओके ठीक है, तो फिर इससे बचने के लिए आप ऐसा करें कि ये लगाकर उसके बाद आप खूब सारे रोज वाटर से चेहरा साफ करें, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जबरदस्त जबरदस्त ठीक है। एक्नी तो वापस बहुत आसान टेक्निक के लिए, तो हाँ लेकिन गाजर का जूस पीने में भी बहुत अच्छा है एक्नी के लिए। गाजर का जूस पिए भी खून साफ करता है जी जी, ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, एक्नी को बहुत दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन एक्नी का कॉज भी देखें किस वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एक्नी वल्गेरिया से नस्लों में चलती आ रही होती है, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, उस रीजन को भी ट्रीट करें एक्सटर्नली ये भी करें। इसका सबसे बड़ा खासा ये है गाजर का कि ये HB की परसेंटेज अगर 178 पे लोगों की होती है, तो एक मुख्तसर सा नुस्खा बताऊँ कि गाजर का पल्प ले लें, उसे थोड़ा सा भगोने में गरम करते हुए उसमें जैसे 1 किलो गाजर का पल्प है तो उसमें 1 टेबल स्पून जो है राई डाल दें, उसके बाद ज़रा सा उसको पकाएं, उसका टेस्ट में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, मिठास नहीं डालनी, वो आप खाइए। आप लिख कर 40 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अच्छा। 2 हफ्ते अगर आप खाएंगे तो आपका HB जो है 3% ऊपर आ जाए। ज़बरदस्त, क्या बात है क्या बात है। अच्छा आपा, एक्नी हो गई जो बहुत ज़्यादा खुश्की है वो हो गई, तीसरी रीज़न क्या कर रहे हैं? मैं आप बता रही हूँ वो तेल जो मिरेकल ऑयल, जो गाजर सीड का आप एसेंशियल ऑयल तो घर में नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। लेकिन आप घर में कैसे एक बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ को, इनएक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगी लेकिन उसके करीब करीब आपको इसके फवाइद मिल सकते हैं। यहाँ से मुझे खोपरे का तेल अगर है तो दे दो, खोपरे का तेल। हाँ जी ठीक है। ये देखिए, ये है गाजर के बीज, आपको मिल जाएंगे गाजर के बीज। आपने करना क्या है, मिल जाते हैं गाजर के बीज, आराम से मिल जाते हैं। वैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी गाजर के बीज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तादाद ख्वातीन को मैं कहूँगी ज़रूरी होती है, सिर्फ इतना आपने सुबह या रात को सोने से पहले, जिनको मतलब के मखसूस आयाम आते ना हों उनके लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर वक्त खाना शुरू कर दें, बहुत फिर आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है ठीक है, अच्छा इसको इधर आ जाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस एक वो है, इसको बंद करना है फौरन करके ना, ये जो है ठीक है। आपा मैं इसको होती हूँ आप, हाँ हाँ ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने नारियल का तेल, वैसे तो जम गया होगा। हाँ जम गया होगा, ओहो के निकला। हाँ बस बस बस, नारियल का तेल घर में निकालने का भी बहुत आसान तरीका है कि आपने क्या करना है, नारियल ताज़ा नारियल हो तो बहुत अच्छा है, उसका ऊपर का छिलका हटा के ना ब्लेंड करके दूध अलग कर लें, अच्छा। उसके बाद जो फोक बचता है ना उसको इस तरह गर्म कर लें तो तेल अलग हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है। नहीं तो अगर पुराना नारियल आपके पास है उसको ब्लेंड करके थोड़े से पानी के साथ आप उबाल लें, तेल अलग होता जाएगा, उसको अलग कर लें। जो ये जिनको ये शक रहता है कि कहीं से आपको सही नारियल का तेल नहीं मिलता, वो ये आराम से कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, सिर्फ नारियल के तेल को गर्म किया, चूल्हा बंद कर दिया। अब इसमें गाजर के बीज देखिए ये आए हैं, अब इसमें सफाई करनी है आपने, ठीक है। ये जो उसकी ऊपर की उल्टी सीधी चीज़ें जो है ये सब हटाने, सिर्फ हमें बीज चाहिए। ओके सही है, ये बीज आप इसमें डालें, अच्छा इसमें एक जितना डालना है, ठीक है। अच्छा एक जितना मतलब आपका, मतलब जितना तेल उतना ही गाजर का बीज। ओके ठीक है, बराबर मकदार में, ठीक है। डाल के ये इन्फ्यूजन बन जाएगा, फिर आप इसको पहले गाजर के बीज को हल्का हल्का कूटना है, साफ करना है, इसकी डस्ट निकालना है, और उसके बाद ये वाला काम करना है, और इसको थोड़ा सा आप चला लें। जितनी सफाई से बनाएंगे इतना अच्छा होगा। आपको जो मार्केट में गाजर का बीज के नाम पे पूरा लाल लाल तेल दे देते, ऐसा नहीं होता, हमें नहीं लग रहा होता ना, गाजर लाल है तो तेल लाल होगा, आंवला हरा है तो तेल हरा होगा, इन्फ्यूजन में हो जाता है, लेकिन आप प्लीज आप देख लिया करें। और ये बहुत ना पागल बनाया जाता है ये, और वैसे हम हर चीज़ में करप्शन कर रहे होते हैं, खुद हम कितनी करप्शन जो है दुकानों में बैठ के कर रहे होते हैं। बस अल्लाह अच्छा। सबको नेक हिदायत दे। अब आपने क्या करना है कि इस ये आपने गर्म किया, पहले आपने गाजर के बीज को कूटा, नारियल का तेल हल्का सा गर्म किया, इसको निकाला, फिर आपने ब्लू कलर की बॉटल ली या रेड कलर की बॉटल ली, उसमें डाला, रख दिया, इन्फ्यूज होता रहेगा, इन्फ्यूजन होता रहेगा होता रहेगा। खोपरे की आपको पता है कितनी तेज़ खुशबू है, जब आप खोले और आपको खोपरे की खुशबू नहीं, आपको
आपको गाजर की खुशबू मिले और इसका जो तेल होता है ना थोड़ा लाइटर होता है खोपरे से, वो ऊपर आ जाएगा। चाहे तो उसको अलग कर ले, चाहे तो मिक्स करके रख ले। खोपरा भी चेहरे के लिए अच्छा है, गाजर भी अच्छा है, तो रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। खासकर मेरी वो बहनें जो परेशान रहती हैं, मेरे भाई के फाइन लाइंस नहीं जाती, तो ये बना के आप लगा। और जो भाई इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि बाहर लोग इतने फूंक देते हैं कि जी बुटॉक्स करा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं स्किन टाइटनिंग के लिए, तो आपको बगैर बुटॉक्स के अगर ये मिल जाए तो क्या ही बुरा है। तो आपा ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है रेसिपी, और आपकी रेसिपी से हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आपा की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद डॉक्टर खुर्रम क्या बना रहे हैं आज? पहले तो व्हाइटनिंग क्रीम बड़ी अच्छी थी, व्हाइटनिंग मतलब फ्रेश करेंगी आपको, और साथ में एक ऑयल भी बना रहा हूँ आपके बालों के लिए, आपकी ग्रोथ बड़ी तेज होगी, एलोपेशिया को गायब करेगा, गंजेपन को गायब करेगा आपके। ओहो हो 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 हो, तो जनाब कहीं मजा आएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और क्योंकि यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से सुबह लोग वॉक भी कर रहे हैं, सुबह लोगों से मुलाकात भी हो रही है, तो जरा इधर उधर हो जाए तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और डॉक्टर खुर्रम आपने फिर डराने वाली तस्वीरें निकाल ली है, बट आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम होती है उनसे पूछें कि वो कितनी अजियत में बड़े प्रॉब्लम में होते हैं, फिर उनको बहुत हर कोई बहुत महंगा ट्रीटमेंट देखिए उनके लिए बड़ा सेट से। देखिए पहली बात, एक तो रंग को आपको नेचुरली बड़ा पिंक और व्हाइट करेगी, मगर एक और बहुत चीज देखिए, ये छोटे छोटे मीलिया या सिरिंगोमास कहलाते हैं, ये अराउंड द आईज होते हैं, आंखों के गिर्द होते हैं, चेहरा सुर्खी माइल हो जाता है और बड़ी आपके चेहरे पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, शदीद एलर्जी होती है, एंटी एलर्जी तो खाना जरूरी है, मगर आप क्या चीज लगाएं कि सूदेगो, क्रैकी, सर्दियां होती है, स्किन फट भी रही होती है, क्रैकी भी होती है, और इसके साथ ही छोटा सा चीज देखिए मैं इसमें और ऐड करूँ आपके, जो आपके मर्दों के खास तौर पर मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं या बहुत ज्यादा बाहर काम करते हैं, तो साथ में मर्दों की स्किन बड़ी ड्राई क्रैकी होती है, ये मर्द और खवातीन दोनों के लिए बड़ी जबरदस्त क्रीम है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। आप देखें सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे जी, हम की खाने वाली क्रीम, ये जो आपके घर में मौजूद होती है, ये खाने वाली क्रीम डालेंगे। हम कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर शुगर फ्री होना चाहिए। शुगर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल शुगर मिल्क ढूंढना मुश्किल होगा। हाँ तो मिल जाता है, मिल जाता है। अच्छा जी, उसके साथ ऐड करेंगे कोई सा अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो कि बहुत सस्ता सा भी होता है, कोई इसमें महंगे की बात नहीं है, विटामिन ई जिसके अंदर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आपको आराम से चम्मच से निकालना पड़ेगा, ये सही कह रही हैं, यू हैव ये अच्छा, ओके आपके पास है, ठीक है, ये बहुत सूदिंग और बहुत रंग को आपको नेचुरली अच्छा करेगी। अच्छा एक आधे का आधा तकरीबन आप डालेंगे जी गाजर, गाजर के 2 से 3 इसके अंदर पीसेस डालेंगे, जिससे ये बहुत आराम से बहुत स्मूथ हो जाएगी। उसके साथ ऐड करेंगे जी ये मेरा पर्चा ऊपर थोड़ा नीचे, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी 2 चमचे 2 चमचे, और ये रात से आप कोशिश करेंगे कि जी अरके गुलाब में आप इसको डुबो दें, सोक कर दें, तो बहुत आराम से इससे बड़ा अच्छा टेक्सचर बनेगा। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को लिफ्ट भी करती है और पिगमेंटेशन, ये देखिए अरके गुलाब साथ में होना चाहिए, रैशेस को भी ये खत्म करेगी, सही, ठीक है जी। उसके साथ आ गया जी 2 चुटकी कश्मीरी ज़ाफ़रान, 2 चुटकी ज़ाफ़रान, तुम क्या जानो चुन्नी बाबू ये देखिए ये 2 चुटकी ये देखिए, उसके साथ ऐड करेंगे, ये चुटका हो गया वैसे आपका, नहीं नहीं बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। अच्छा उसके अंदर ऐड करेंगे आधी बॉटल चंबेली का तेल, ठीक है, चंबेली ये महंगा नहीं है भाई, चंबेली का तेल नहीं नहीं ये बड़े आपके चेहरे से महंगा नहीं है, ठीक है जी, ये बात सही, क्या बात, ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, अगर आपको मिल जाए, अगर एडेड है अलग से डाल रहा हूँ, थोड़ी सी सौंफ जो आपकी स्किन को लिफ्ट करेगी और एक्ने के खड्डे जो होते हैं उनको भरेगी, ये देखिए सौंफ, ठीक है, बस क्रीम बिल्कुल जबरदस्ती तैयार है। और इसको अब हम शुरू करते हैं ब्लेंड करना थोड़ा सा, ये देखिए बहुत अच्छा। इसमें आपने वैसे 2 चीजें ऐसी डाली हैं जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छी, गाजर तो है ही, सौंफ भी बहुत अच्छी, बिल्कुल सौंफ। अच्छा ये दोनों खाने में और लगाने में थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा मेरे ख्याल अरके गुलाब और डाल देते हैं,
ठीक है, अर के गुलाब, हल्का सा पानी ले ले, अर के गुलाब बिल्कुल अर के गुलाब ही, थोड़ा सा अर के गुलाब डाल देते हैं बस, अब चलाइए जबरदस्त। मैं तो कॉल ले लूँ, बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, हो गई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर पुरम से बात कर रही हूँ। बिल्कुल कीजिए जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरे चेहरे पे हल्की हल्की छाइयां हैं, तो वो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी। अच्छा अच्छा, झाई है, उसके लिए आपने कोई इस्तेमाल की, कोई ऐसी चीज खाने की इस्तेमाल की आपने? अच्छा मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो आपको फैसलाबाद से मिलेगा, फॉरेन फार्मेसी से। आप एक तो टैबलेट ले लें, वहाँ पे सेंगोबियन, SENGOBION, ठीक है, ट्वाइस अ डे, सुबह शाम आधे कप सोया मिल्क में चुटकी जाफरान और चुटकी हल्दी डालकर उसके साथ खाएं, ठीक है। एक अगर सोया मिल्क ना मिले तो आप स्किम मिल्क भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्रीम बड़ी सिंपल सी, तीन क्रीम है, एक तो स्किनोरेन क्रीम आएगी, स्किनोरेन SKINORN, बिल्कुल मटर के दाने की जितनी लीजिएगा, बहुत सारा विटामिन ई का लोशन लीजिएगा, और उसके अंदर ऐड करें एक क्रीम आती है क्लैरिडम, CLARIDERM, ठीक है, वो दो से तीन मटर के दाने मिक्सर बनाया, पूरे चेहरे पे लगाया, अर्के गुलाब का स्प्रे किया, और किसी अच्छे बेबी फेस वॉश से आप मुंह धोएं, और दिन में एक काम किया करें, आप उपटन ले लें जिसके अंदर थोड़ा सा बादाम की खली, हुस्न यूसुफ पाउडर, हल्दी हो, और उसको पूरे चेहरे पे दूध के साथ मिला के 15 मिनट के लिए लगाए करें, कोशिश करें एक्सरसाइज करें, आपकी सांस तरह तेज तेज आए तो आपका खून का दौरान बढ़ेगा, बिल्कुल गायब होगी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या क्या चीजें डाली थी, रिपीट कर दे जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमने डाली इसके अंदर खाने वाली क्रीम, खाने वाली क्रीम, मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, थोड़ी सी गाजर, गाजर, दो चुटकी जाफरान, ठीक है, चंबेली का तेल और सौंफ, ठीक है। अच्छा, अभी सात चीजें, बिल्कुल जी सात चीजें, अभी उन खातून को हम लगाएंगे, उनका थर्ड व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी है, Okay. और देखिए उनका चेहरा देखिए माशाल्लाह, अभी और खिलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये तो हो गया मतिया इनका चेहरे की, अब एक बड़ा अच्छा सा हम एक ऑयल बना रहे हैं। अच्छा, ऑयल के लिए क्या क्या चीजें चाहिए मुझे अभी से बता दें, अभी से बता, ब्रेक लेनी है, बिल्कुल, कड़ी पत्ता तैयार कर लेंगे, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता देखिए घर में मौजूद है, कड़ी पत्ता, एक गट्ठी कड़ी पत्ता, कलौंजी, सूरजमुखी के बीज, उसके साथ ऐड करेंगे जी सरसों का तेल, कद्दू का तेल, मेथी दाना, और उसके साथ में थोड़ा सा लोशन डालूंगा, क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट, 20 रुपए की बोतल आती है। आप देखिए आपकी टिंड हो रही है, आपके एलोपेशिया हो गए, आपके बाल बहुत तेजी के साथ आएंगे, और खास तौर पे बच्चों के अंदर जो जुओं का इशू हो रहा था वो लाइस का बहुत तेजी के साथ खत्म करेगी। और आखिरी चीज ये देखिए, मर्दों का जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है ना, कि आगे से ये आगे से बाल जा रहे होते हैं, तो खवातीन के भी जा रहे हैं, खवातीन का माथा बहुत चौड़ा हो रहा होता है, बिल्कुल ये पूरा माथा, ये मेल पैटर्न बाल्डनेस से खवातीन में बहुत आ रहा है आजकल, तो ये मर्द और खवातीन के लिए बेहतरीन तेल बनाएंगे, बिल्कुल हार्मोनल, बिल्कुल, चेहरे पे बाल भी वैसे बढ़ रहे हैं और फिर आपके बाल भी वैसे उड़े, इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला जरूर है, डॉक्टर के पास जाएं बजाय कि खुद कुछ अगर करें, बहुत गलत, सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे 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 ठीक है जी, तो अच्छा आप मुझे जरा, ये तो हम बनाएंगे भी, तेल बनाएंगे, साथ में मैं आपको बताऊं जनाब के PRP भी आज हम आपको यहाँ पर अपने शो में डॉक्टर सदफ बताएंगे कि वो कैसे किया जाता है और कितना मुफीद होता है, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक लेने का ही मजा आएगा, ब्रेक के बाद में।
क्या उन्होंने सुंदस के साथ. अच्छा अभी मैं डॉक्टर खुरम के पास तो जाऊंगी क्योंकि डॉक्टर खुरम एक बड़ा ज़बरदस्त सेल बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ख़वातीन इंक्लूडिंग मी मैं भी पूछ रही होती हूँ कि ये पीआरपी क्या है, कैसे किया जाता है. सिर्फ मुझे इतना पता है कि आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है और आपके बालों में ज़रूरत हो तो बालों में लगाते हैं, अगर स्किन के लिए चाहिए हो तो स्किन पर लगाते हैं, लेकिन वो कैसे लगाते हैं और क्या क्या फ़ायदा होता है ये तो मैं डॉक्टर सदफ ही बताएंगी. क्योंकि अभी एक मशीन, डॉक्टर सदफ ये मशीन क्या है और अभी आपने इनका थोड़ा बहुत ब्लड का सैंपल भी लिया था. क्यों हमने ब्रेक में इनका सैंपल लिया था. एक पीआरपी बेसिकली पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो हमने इनका ब्लड ड्रॉ किया है एटलीस्ट 10 cc तकरीबन की लिया है. उसके बाद हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब को हमने 10 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूगेट किया. सेंट्रीफ्यूगेट के बाद ये इसका प्लाज्मा सेपरेट हो गया है और आरबीसीज नीचे आ गया. ठीक है, ये जो प्लाज्मा है ये बहुत ज़्यादा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल नीचे आ गए. हाँ, रेड ब्लड सेल्स नीचे आ गए. प्लाज्मा जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है. वो हम अगर स्कैल्प पे लगाएं तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर हम फेस पे लगाते हैं तो उसके उसमें जो बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसमें स्किन टाइटनिंग आती है, स्किन ग्लो आती है, एक्नी स्कार्स जो हो जाते हैं, जो एक्नी के बाद जो स्कार्स स्पॉट्स हो जाते हैं या गढ़े जो बन जाते हैं वो फिलअप होते हैं. अच्छा. वो फिलअप होते हैं लेकिन जो है उसमें सिटिंग्स होती हैं, 3 to 6 सिटिंग्स होती हैं और वो फिलअप हो जाते हैं जिसके रिजल्ट हमने देखे हैं. ठीक है, अच्छा तो हम इनके स्किन पे शुरू करते हैं. शुरू कैसे करेंगे ये हम ऑन एयर दिखा सकते हैं ना? ये ऑन एयर दिखा सकते हैं लेकिन हमें वैसे ये ओपन एनवायरनमेंट में करना नहीं चाहिए, एक स्टरलाइज होना चाहिए क्योंकि हम स्किन के अंदर जा रहे हैं, इसके इंजेक्ट करें. अच्छा. तो हम अभी कोशिश करेंगे इंजेक्ट ना करें. ठीक है, सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है. हाँ. कि ये प्लाज्मा है उसको हम सेपरेट करते हैं, एक स्ट्रिंज में निकालेंगे. ठीक है, अच्छा फॉरन जो हमें प्लाज्मा वो लेना चाहिए क्योंकि वरना हाँ. ये जेली फॉर्म में आएगा से बन जाता है. ये बिल्कुल जेल फॉर्म में हो जाता है. तो अभी थोड़ा सा हमारे पास आ जाएगा. हाँ. दिखा देती हूँ कैसे करेंगे. उसके बाद ये नीडल बिल्कुल भी नहीं जाएगी स्किन में. ठीक है, तो स्किन में अगर जब जो जाता है वो क्या वो दिखा देती हूँ मैं कि हम इसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी ऐड करते हैं फॉर स्किन रिजुवेनेशन. और ये क्या है जो दूसरा फैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं? वो ग्रोथ फैक्टर्स. अच्छा, ग्रोथ फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में भी होते हैं लेकिन हम थोड़े से ऐड ज़्यादा करते हैं. बहन हार्ट बीट इतनी बढ़ गई है कि मैंने कंधे पे हाथ रखा है, मुझे फील हो रहा है. मतलब कि क्यों डर रही है? उन्होंने बोला है कि नहीं अभी ऊपर नहीं कर सकते कि यहाँ बहुत छोटी सी नीडल होती है, बहुत छोटी सी अगर नज़र आ जाए. ठीक है, ये ओके. ठीक है, 0.3-0.2 mm. ठीक है, ये हम इंजेक्ट करेंगे ये प्लाज्मा इनकी जो भी साइट है, लाइक एक्नी स्कार्स है तो उसके स्कार्स में ऐड करेंगे थोड़ा सा, और अगर टाइटनिंग के लिए है तो फिर हम पूरे फेस पे. डॉक्टर साहब मुझे बताएं, पेन होती है, दर्द होती है इससे? हम इससे पहले एनेस्थेटिक जेल, टॉपिकल जेल लगा देते हैं तो पेन इतना नहीं होता. और जब वो उसका कहते हैं ना कि जब उसका सुनपना खत्म होता है, आई गेस सुनपना उसके बाद कोई पेन नहीं होता. कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जब ये हमारा ट्रीटमेंट पीआरपी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम कुछ सीरम्स भी अप्लाई करते हैं, जैसे ये कैरेट एसेंशियल ऑयल और एचए ऑयल.
मर्द आजादी करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। हाँ, क्योंकि अब देखिए जैसे खवातीन अगर अपने चेहरे पे करवा रही होती हैं, लेजर करा रही होती है हेयर रिमूवल के लिए, तो मर्द हजरात भी करवा रहे होते हैं, विच इज़ गुड इन अ सेंस कि आप भी अपना ख्याल रख रहे हैं, खूबसूरती हर एक को पसंद है। और जो बोटॉक्स एंड जो फिलर्स हैं वो भी हम करते हैं, लेकिन जो PRP है उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, क्योंकि हम उन्हीं का ब्लड लेते हैं जो पेशेंट है, उन्हीं का ब्लड लेके और उन्हीं पे अप्लाई एक करते। सवाल जो मैंने आपसे ब्रेक में भी किया था, कुछ लोगों के ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कहते हैं हाई जी खून साफ नहीं, तो उसमें से भी प्लाज्मा निकाला जाए वो ठीक है, वो आपके लिए सही है? प्लाज्मा तो निकलता है ब्लड में से, ठीक है, अब वो उन्हीं का ब्लड है, उन्हीं के प्लाज्मा है और उसी पेशेंट पर अप्लाई हो गया, तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, कोई साइड इफेक्ट सही, ठीक है। चलिए जी, कैंसर पेशेंट, एक्सेप्ट कैंसर पेशेंट, हम आपको ब्लड कैंसर। अच्छा जी, हम डॉक्टर फौरन के पास आ गए हैं, बस फौरन हम इंजेक्शन जाने से पहले ये देखिए, ये बालों के बड़े सारे इश्यूज होते हैं, एक तो ये आपके बीच में से बाल गायब होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, एक चीज़ होती है कैरी ऑन, आपके बालों के अंदर ही डेवलप हो रही होती है और वहाँ से बीच में से आप ना ही बताता है, जब कोई आप सैलून जाती हैं खवातीन हेयर कटिंग के लिए तो बताते हैं आपके बीच में से बाल गायब हो चुके होते हैं, ये देखिए पूरा, ये पूरा एलोपेशिया का एक ये पैटर्न होता है, मर्दों की दाढ़ी में से भी जा रहा होता है, आपके सर में से जाता है और ये पूरे एक एक स्टेज आता है एलोपेशिया टोटैलिस यूनिवर्सैलिस, पूरे आपके बाल गायब होते हैं, तो आपको पूरा ट्रीटमेंट तो करना है मगर साथ साथ आपको ये एक ऑयल है बड़ा ज़बरदस्त सा, इंशाल्लाह देखें किस तरह से इफेक्ट देगा और आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया जी, कड़ी पत्ता ठीक है, कड़ी पत्ता हमने सबसे पहले इसके अंदर डाले, कड़ी पत्ते मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कड़ी पत्ता बड़ा कॉमन किचन में सबके मौजूद होता है और आपने ये लिया कड़ी पत्ते के चंद पत्ते आपने डाले, ठीक है जी, सही। उसके साथ आप ऐड करेंगे जी सरसों का तेल जी, ये सरसों का तेल आ गया और बहुत ये इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूंगा, उससे देखिएगा कि आपको ये जैसे ज़ाइलो एक क्रीम होती है तो आपकी जॉइंट पेन को भी ये बेहतर करेगी, ये आपने सरसों का तेल डाला, उसके अंदर कद्दू का तेल डाला, ठीक है जी, उसके साथ ऐड किया जी कलौंजी, कलौंजी मेथी दाना, मेथी दाना ये आ गए सूरजमुखी के बीच, वाओ ठीक है, बहुत नरिशिंग बहुत एनर्जेटिक तेल बनेगा, आप पूरी बॉडी पे मसाज करें तो आपको पेन को भी बड़ा बॉडी पे मसाज कर, बॉडी पे भी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक इरिटेंट डालूंगा भी, हमारे पास ख़त्म हो गया, जो होता है क्लॉबिस्टॉल प्रोपाइनेट के नाम से, 40-50 रुपए की इतनी बॉटल होती है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे ज़बरदस्त सा वो तैयार होगा, ये पूरा हमारा तेल तैयार है, मैं बंद कर दूँ, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें, मेरे ख्याल इसमें हम निकाल सकते हैं मोटे वाले में, कोई इशू नहीं है और ये तेल देखिए इसकी बड़ी पावर है, थोड़े से लोग दूर हो जाएं तो अच्छा है ना, ये सीन देखने वाला था क्योंकि सबको पता था कि डॉक्टर खुरम यूं हवा में ना करके जाएगी चीज, ये देखिए ये तेल आपका तैयार है, बहुत पावरफुल बड़ा एनर्जेटिक और साथ में आप मल्टीविटामिन दें जिसके अंदर ये देखिए बायोटिन और बहुत सारे एसेंशियल विटामिन होते हैं, आपके बाल नाखून आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी चमकेगी। अच्छा अभी उनके पास जाने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज़ बता दी, मैं फॉरन करूँगा, एक हम एक क्रीम बना रहे जो एक्नी के लिए, हाथों पे एक्नी के खड्डे आ जाते हैं तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा स्क्रब है, बहुत इशू होता है, आपने क्या किया जी 3 चमचे आपने लिए कॉफी, कॉफी 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 से एक्नी गायब गायब और आपके खड्डे भी गायब, ठीक है मेरा ख्याल है, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि कॉफी पियो तो एक्नी हो जाती है? नहीं नहीं कॉफी देखिए ये मिथ है, लोग समझते हैं जी बेकरी की चीज़ें ज़्यादा खाएं, ऐसा नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं डेफिनेटली, मगर थोड़ा कॉफ़ी पीना चाहिए, इससे आप एक चम्मच मुझे नहीं कोई बात नहीं हाथों से डालता हूँ, ठीक है वाओ नहीं 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 अच्छा जी ये 3 आपने चमचे डाले तकरीबन, कॉफी वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करते बहुत है, हाँ सही कह रही हैं, ब्लैक कॉफी बहुत अच्छा, अगर मैं क्या करती हूँ ब्लैक कॉफी की नहीं पी जाती ना, जी 2 लाइम उसमें आप डाल दें विद पील, मैंने बताया विद आपा नहीं मुझे एक बार करके दी थी, बहुत मजे की, हाँ वो बहुत मजे की लगती है, 1 चुटकी जी आपने तकरीबन 2 चुटकी इसमें डाला जाफरान, पुदीने के पत्ते चुटका है, ये पुदीने के पत्ते आ गए, ठीक है थोड़ा सा लेमन जूस, लीमू का रस आ गया थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है उसके साथ ऐड करेंगे जी नारियल का तेल जो नरिश भी करेगा, नारियल का तेल। अच्छा वैसे डॉक्टर फरम आपकी तबीयत ठीक है मुझे बताएं? हाँ जी बिल्कुल, अब मुझे ना वो ढीली ढीली क्यों लग रही है, डॉक्टर खुरम के बैठे होते ना यहाँ सब जगह नहीं 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 मैं तैयारी नहीं कंट्रोल करना मुश्किल लग रही है, ये भी सीधे मंडे ये क्यों होते हैं, मैं आपको बताऊँ मेरा चश्मा वापस करो, अगर आप डॉक्टर खुरम के हाथ बांध दें
मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा डॉक्टर फॉरम, बात ही नहीं कर सकते क्योंकि जब तक डॉक्टर फॉरम हिलना नहीं ना, और खड़े में भी होते हैं। ओए ओए चश्मा लगा की जरा चश्मा दिखा रही थी जान बूझ के। ये शाह नजीर साहब का कद ऐसे ही छोटा नहीं रह गया डॉक्टर खुरम जो कि पर यूं करके खड़े रहते हैं ना, जो बड़ा भी था वो छोटा। ये तो नाम है, देखिए ये भी गलत बात है। देखिए अच्छा जी पहले मैं सही कह रही हूं शाह नजीर साहब? नहीं नहीं, इनके सुस्त रहने की एक और वजह उम्र का तकाजा भी है ना, बुढ़ापा। अच्छा जी ये आ गया तो मासूम आदमी है। शहद, नींबू का रस, नारियल का तेल, बादाम, बादाम जी, कॉफी जी, जाफरान और थोड़ा सा इसके अंदर वाइट दो चुटकी, जाफरान दो चुटकी, ठीक है ठीक है, चुटके नहीं चुटकी डाले मेरे चुटके बना रही। वो अपने दरअसल वो दिखाना चाहिए, चश्मा लगा लें आप, ये लगा लेते हैं ना। ओ ये देखिए पूरा है, वाह अच्छा ये मेरा स्टाइल है, इतना छोटा मदिया से मैं बन गया। देखें ये क्या डालें, क्रीम कौन सा? अच्छा ये कोई सा भी विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन, बेबी लोशन डालें आप, देखें कितना जल्दी आपकी ये और आपकी एक्ने के खड्डे भी भरेगी और रंग आपका बहुत। इसमें ऐसी वैसे क्या चीज होती है जो आपके एक्ने के खड्डे भरने के लिए जरूरी? तो हमने जो लोशन डाला है उसके अंदर कोलेजन इलास्टिन लोशन, कोलेजन आपके एनहेंस करेगा, कॉफी आपकी स्क्रबिंग करती है और साथ में पुदीने के पत्ते आपको एक ठंडक देंगे जो एक्ने भी आपकी गायब होगी और उसके निशान भी गायब होंगे। ये देखिए बड़ा जबरदस्त सा, अच्छा स्किन को प्लेन कर देगी, स्किन को बिल्कुल प्लेन कर देगी। नहीं नहीं जरे नहीं इसमें आप ये नहीं डाल रहे, बताइए क्यों डरा रही है गाजर। अच्छा ये देखिए ये बड़ा एक स्क्रब की आप ब्यूटी देखें कि ये आपको नेचुरली ना एक आपकी जो बिल्कुल खड्डे आ रहे होते हैं, जो आपकी स्किन थोड़ी सी बिल्कुल आपके लगाऊंगा जो लूज हो रही होती है, जो थोड़ी सैग हो रही होती है उसको ये देखिए बड़ा अच्छा सा ये देखिए आप बड़ा कॉफी बीन्स का ये मास्क बनेगा और आप बिल्कुल खाने का, और ये बड़ा जबरदस्त आपको ब्यूटी देगा। आमंड्स भी हैं इसके अंदर, आप प्लीज सुनिए आप, बड़ा ही जबरदस्त। अब अभी इंग्लैंड से आ रही है तो इंग्लैंड की याद आ जाएगी आपको। हाँ कॉफी चॉकलेट की, कैरमल फज क्या बस सिस्टर है ना, बहुत अच्छा। और ये बहुत ज्यादा आपकी स्किन को ड्राइनेस को रोकेगा, ब्यूटी बहुत लाएगा। और ये देखिए ये आपको खाना है, इसमें असल में जो कॉफी है तो कॉफ़ी और कलौंजी को अगर पीस लिया जाए तो बाल भी काले होते हैं। अगर जो लोग अपना कलर हेयर छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ कलौंजी और कॉफ़ी जिस तरह इन्होंने ऐसा पेस्ट बनाया ऐसा बना लें और उससे बाल। क्या बात है जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर खुरम ने एक्ने की क्रीम भी बना ली, उन्होंने ऑयल भी बना लिया और पहले भी आपने बनाई थी क्रीम, पहले मैंने क्रीम बनाई थी व्हाइटनिंग क्रीम थी मदिया। अच्छा आपकी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, इंजेक्शन लगाया आज उनका थर्ड लग रहा है उनको। देखिए मदिया ये आप दे दें प्लीज अपने हाथों से, पिक वाइटी उनको दें बिल्कुल, आप कहते हैं तो जनाब प्लीज या क्रीम भी लगाएंगे खाएंगे तो है। और उनका थर्ड सेशन है, समा से हम पूरे 10 पूरे करेंगे, ठीक है? बड़ी बहादुर है, जबरदस्त। चले इधर मैं एक ब्रेक लेने जा रही हूँ क्योंकि ब्रेक के बाद हकीम अब्दुल बासित साहब हमें सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले बालों में लगाने का एक सीरम बनाऊंगा जिससे आपके बाल बिल्कुल खूबसूरत और लंबे हो, खूबसूरत लंबे हो जाएंगे, सब कहीं मजा आएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। ब्रेक और ब्रेक के बाद आज आपको हकीम बासित जो हैं वो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि बालों की खूबसूरती के लिए क्या कुछ बड़े आराम से किया जा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ गाजर के इस्तेमाल से। नॉट एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ गाजर के इस्तेमाल से, बट एग्जैक्टली और इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा महंगी चीज़ तो नहीं है ना, बिल्कुल सस्ती चीज़, सस्ती आराम से बन सकती है, आराम से आज भी आराम से, अगर जिनके घर में थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी क्या वैसे क्या क्या ज़रूरत है? देखिए इसमें ये है कि बालों की खूबसूरती के लिए, लंबा करने के लिए, इसमें सबसे पहले आपने तकरीबन एक पाव गाजर का इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के या बगैर पानी के पेस्ट बना लिया। सबसे पहले आपने ये पेस्ट बना लिया, उसके बाद जो है हमें इसके बाद इसमें लेना है नारियल का तेल, ठीक है? नारियल का तेल इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने डाल दिए, ठीक है? उसके बाद ये सामने से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तभी आप कह रहे थे बस क्योंकि आपने नारियल का तेल इस्तेमाल करना था अच्छा उसके बाद छे हाँ
जैतून का तेल 4 टेबल स्पून, उसका गाजरों का पेस्ट, ठीक है, हमने नारियल का तेल और जैतून का तेल, ये हम वजन होने चाहिए जी, हम वजन सारे, और उसके बाद ये हम जो डाल रहे हैं ये है कलौंजी, ये भी 4 टेबल स्पून, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे अंडे का तेल, रोगन बेजे मुर्ग, मुश्किल से ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसे निकालना, लेकिन मुर्गी इतने अंडे देगी तो क्या बनेगा ना। 4 टेबल स्पून जो है अंडे का तेल डाल दिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमें ये करना है कि इसे बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से हिलाते रहना है इसको, ठीक है, और इसको तब ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह मलमल का जो कपड़ा अमूमन होता है हमारे पास है ये मलमल का कपड़ा, कहीं गिर गया मैंने तो वो उसके ऊपर पूरा मलमल का कपड़ा इस तरीके से इसको बांध देना है, और बांधने के बाद इसको कम से कम 5 से 6 दिन तक के जो है इसको धूप में रखना है या अपने ओवन के करीब जहाँ पर गर्मी होती है उस जगह पर रख दें। ये ऐसा तेल है कि दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं, और ये बेहतरीन तेल है, इसे आप इस्तेमाल करें। ये बालों को 2 जड़े बालों जो उनके लिए भी अच्छा है, बाल लंबा भी करता है, बाल में नरिशमेंट देता है, बालों को कुवत देता है, तो ये आप लें, लेकिन ये सिर्फ 40 ईयर्स तक के लोगों को ये फ़ायदा करेगा, उसके बाद तो फिर नेचुरल जो होता है उसमें ये चीज़ नहीं। अच्छा, इधर मैं देख रही हूँ कि आप जो डॉक्टर खुर्रम भी है वो बालों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बालों में आपने इंजेक्शन लगा दिया, साथ में जो आपने बालों के लिए तेल बनाया था वो भी इनको देंगे आप? बिल्कुल, बालों में लगाया तेल, जो भी तेल लगाया, ठीक है, पूरा उनके जाके पेनिट्रेट किया है कैरेटिन को, जिससे उनके बाल जहाँ से लड़कियों का माथा बड़ा होता है, सही, ठीक है। अच्छा शाह साहब, आप इनको जरा पकड़ाए, क्योंकि अच्छा एक और चीज जो, क्योंकि अगर हुकामे बाला हमें देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अक्सर पता चलता है कि जी बहुत सारे लोग नोट कर रहे होते हैं हम जो भी चीज़ बना रहे होते हैं, तो शाहनजीर साहब, क्योंकि वो कईयों बाद में बड़ा मुश्किल हो गया जनाब, सड़कें टूटी हुई हैं, तो खुदा के लिए सड़कें जो हैं वो जल्दी से उनको तामीर करवा दें, क्यों इलेक्शन का इंतजार करें कि इलेक्शन आएगी तो बनवाएं सड़कें। नहीं, कईयों बाद में आप अंदर जाएंगे ना, आप यकीन करें दम घुटने लग जाता है, पानी कचरा, रोड टूटे हुए, गलियां टूटी हुई, आप मुझे समा की गाड़ी लेने आती है ना, मुझे मैन रोड पे इनका इंतजार करवाना पड़ता है, मैं अंदर से पैदल जाता हूँ, मैं कम से कम मुझे आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वैसे शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं ये पूरे कराची की कहानी है। हाँ, लेकिन नहीं भाई, ये प्लीज खुदा के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि इन गलियों में जो रहने वाले लोग हैं वो खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाए, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा, लेकिन कभी कोई एम्बुलेंस भी जाना पड़े, कोई मरीज हो, तो वो कैसे निकलेंगे अपने घरों के बाहर, तो इतनी सिक्योरिटी होती है, प्लीज़ ज़रा यहाँ भी इन सड़कों को भी देख लें, यहाँ पे भी आपके अपने लोग हैं, उन वो लोग हैं जिन्होंने आपको वोट डाला हुआ है। धूल हो या मिट्टी हो, आज आपको एक ऐसी चीज बताते हैं कि आपकी स्किन में नरिशमेंट रहेगा। कराची के हालात जैसे भी रहो, ये आप घर पे बना के रखिए, घर आइए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले हमने ये किया कि चुकंदर को कद्दूकश कर लिया, और इसी तरीके से गाजर जो है हमने इसमें कद्दूकश कर लिया, ये आपको नजर आ रहा होगा दोनों चीजें। इसमें जो हमें चीज करनी है, सबसे पहले इसमें तकरीबन 1/2 कप यानी कि 60 ml जो है हमको दूध डालना है, ठीक है जी। ये हमने 60 ml इसमें दूध डाल दिया, इसका कलर कितना प्यारा आ गया देखिए, बहुत। और इसके बाद इसमें सिर्फ आपको जो है असली शहद ऐड करना है, इसमें कितना? ये तकरीबन 4 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून ये इसमें शहद आ गया। और उसके बाद हमने किया ये कि ये आपका जो स्किन के लिए ये बेहतरीन सप्लीमेंट कह लीजिए या जो भी, ये लगाना है, इसे पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं वो लोग जो कि चाहते हैं कि उनकी स्किन में ग्रोइंग रहे, अच्छी रहे, तो इसको इसी तरीके से ये स्मूथी सी बना लें, इसको और बारीक करना चाहे वो कर लें, लेकिन अब इसमें शहद मिला के जो है हमने किसी तरीके से स्किन में हम लगाएंगे तो इससे स्क्रबिंग भी होगी। देखें ये बन गया है, और आपने अगर स्किन में इस तरीके से करके आप लगाएंगे तो इसमें आपका जो कलर वगैरह जो है वो भी बेहतर होगा, जो मैल होगा वो आपका उतरेगा। और अगर इसको फेस पे लगाएंगे तो मैंने इसमें खुरम की तरह क्रीम नहीं मिलाई, लेकिन ये इतना बेस्ट रिजल्ट देगा कि आप देखेंगे कि इससे बेहतर जो है स्किन के लिए कोई चीज़ नहीं। अच्छा, मगर अब्बास साहब सही कह रहे हैं, पता है नई टेक्नोलॉजी एक इल्ज़ाम बन गई है, मैं क्या करूँ, इल्ज़ाम नहीं, मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश होता हूँ आपकी इस चीज़ से। अच्छा, आप करना ये कि एक और मैं स्मूथी बना रहा हूँ जो पीना है यानी खाना है। अच्छा। इसमें ये है कि इसमें भी मैंने ये किया कि गाजर इसमें लिए हमने,
ठीक है। और तीसरी दूसरी चीज इसमें आप कलर देख रहे हैं, गाजर, चुकंदर और खीरा, तीन चीजें हम वजन लेके हमने इसको कद्दूकश किया और इसको इसमें मिला दिया। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद हमने ये करना है कि आखिर में इसमें तकरीबन एक पाव के करीब हमने दही डाल दिया। ऑब्वियसली अब स्मूदी है तो दही तो डलेगी, दही के बगैर तो स्मूदी बनती नहीं है। तो इसमें हमने क्यूकम्बर, गाजर, दही और बस और बस, ये चीजें ये बन गई। अगर आप चाहें तो सैलेड के तौर पर भी अगर आप चाहें तो यम्मी लगेगा, है ना। हाँ। तो इसको सैलेड के तौर पर भी खाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं तो आप इसे ग्राइंड कीजिए और बिल्कुल इसको लाइट सा बना के इसमें चाहें तो बर्फ भी डाल दीजिए और इसे पीजिए। देखिए गाजर जहाँ पर है, गाजर कम अज़ कम 2 महीने तो रहती है, 2 महीने 60 दिन अगर हमने गाजर रोज़ाना ली और इस अंदाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से चेहरे पर लगाएं भी खाएं भी, तो आप यकीन माने कि आप फरवरी में पहचान ही नहीं जाएंगे। क्या बात है। तो ये ज़बरदस्त स्मूदी, इसका इस्तेमाल स्मूदी है, हमने स्मूदी भी बना ली। अच्छा इसमें आखिर में एक चीज़ जो कि मेरे कार्ड में नहीं लेकिन मैं बता दूँ, बड़ा ज़रूरी था, उसमें ये है कि हमने एक मटका लेना है और इस मटके में तकरीबन 1 किलो के करीब हमने जो है वो सौंफ डाल देनी है, ठीक है। ये हमने सौंफ इसमें डाल दी, ठीक है, ये 1 किलो के करीब है। इसके बाद हमें ये करना है कि इसमें सिर्फ 2 लीटर के करीब जो है गाजर का जूस आपने डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद मलमल का कपड़ा इसके ऊपर आप बांध देंगे। मलमल का कपड़ा ये इसका रखने दो, ये मलमल का कपड़ा, पहले मलमल का कपड़ा लेंगे इसमें, और इसमें हमने करना ये है कि इस तरीके से इसको बांध के, और ताकि इसके अंदर हवा भी क्रॉस हो, धूप भी लगे इसमें। आप ये देखिए इस तरीके से अच्छा, इसका बाकायदा यूं करके इसको आपने बांध दिया और इसे आप तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक के जो है इसको धूप में रख दीजिए, और उसके बाद ये पूरी जो सौंफ है वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसको आप ड्राई सौंफ के अंदर जो है मिस्सी उठाइएगा जी, उसमें हम वज़न जिस तरीके से 1 किलो ये डालिए, आप 1 किलो मिस्री लेके इसको ग्राइंडर में पीस लीजिए। इसका नाम है सफूफ नूर बसारत, ये हर आँखों की रोशनी, जिन लोगों की दूर की नज़र, करीब की नज़र और ख़ास तौर पे विजन का प्रॉब्लम जिन लोगों का है उनके लिए ये बेहतरीन दवा। ज़बरदस्त, क्या बात है जी, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए बातों के, आंखों के लिए भी चीज़ बन रही है। अच्छा मैं PRP का कितना जो हम ट्रीटमेंट कराते हैं वो कितना कॉस्टली होता है और कितनी सिटिंग ज़रूरी होती है, मैं पूछूँगी सदफ़ से, लेकिन उससे पहले क्योंकि हकीम शाह नज़ीर साहब भी हैं, तो हकीम शाह नज़ीर साहब पहली चीज़ क्या बनाएंगे बता दें, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। पहली चीज़ मैं हाइट बढ़ाने के लिए बताऊंगा कि गाजर से हाइट बढ़ाने के तरीके कैसे होंगे, किस तरीके से हाइट बढ़े, यानी कि मुझ जितना लंबा कद हो जाएगा इंशाल्लाह, यानी कि मुझसे भी लंबा कद आपका हो जाएगा गाजर से। अब वो कैसे होगा ये तो हकीम साहब आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, तो आपको ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पे इससे पहले कि मैं हकीम शाह नज़ीर साहब के पास जाऊं और वो आपको बताएं कि कद कैसे लंबा हो सकता है गाजर के थ्रू, मैं डॉक्टर सदर से पूछूंगी। अच्छा जो हमने थोड़ी इनकी इन्फ्यूजन की है, जो PRP के लिए कितनी सिटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं? थ्री सिटिंग्स और 3 से 6 सिटिंग्स तक जा सकते हैं, और हर महीने करवानी होती है, 2 हफ्ते बाद करवानी होती है, 1 हफ्ते बाद करवानी होती है, आफ्टर एवरी 3 वीक्स। हर सिटिंग की क्या कीमत है, अगर वो बालों के लिए हो या चेहरे के लिए हो? हमारी 5,000 to 15,000 तक की है, जितना मतलब 5,000 to 15,000 में क्या फर्क है? कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितनी वर्स्ट कंडीशन है, किस स्टेज पे आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्नी स्कार्स अगर है, अगर एक्नी स्कार्स तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्टेज में लेके आए, बहुत ज़्यादा गड़े हैं, तो उनको ठीक होने में टाइम लगता है। अगर फ़ौरन एक्टिव एक्नी भी है और स्कार्स भी हैं तो वो साथ साथ में हो रहा है, तो वो जल्दी हो जाएगा और उसके कॉस्ट भी कम होगा। सही, एक्टिव एक्नी के लिए इसके अलावा PRP गैंग्रीन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन या जो ठीक ना हो रहा हो, अल्सर जो ठीक ना हो रहा हो, उसमें हम ये PRP यूज करते हैं, वो जल्दी ठीक करता है, हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देता है, स्पीडी कर देता है। अच्छा हकीम शाह नज़ीर साहब, लोग परेशान हो गए हैं कि बाल तो चलो, बाल तो लंबे करने का सुना था, कद लंबा गाजर से कैसे भाई?
बहुत इजी है। देखें हाइट बढ़ने की जो हाइट बढ़ने की जो एज होती है, जो ग्रोथिंग एज होती है, वो 14 साल से लेके 21 साल तक होती है। इसी में हाइट बढ़ती है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को लोग परेशान हो जाते हैं कि कभी वो काले नज़र आ रहे होते हैं, कभी गोरे नज़र आ रहे होते हैं, कभी पतले नज़र आ रहे होते हैं, कभी मोटे नज़र आ रहे होते हैं। जब वो पतले हो रहे होते हैं तो आप समझ जाइएगा कि उनकी हाइट बढ़ रही है। जब हाइट बढ़ती है तो थोड़ा सा वीक होता है, फिर थोड़ी सी वेट गेन करते हैं, फिर हाइट बढ़ती है, फिर वीक होते हैं। तो हाइट बढ़ने के लिए 14 साल से लेकर 21 साल तक जिनकी भी हाइट नहीं बढ़ रही है तो मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसमें यह है कि एक्सरसाइज करें लटकने की, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम लटकने की, और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें। और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये मैंने जब भी बताया काफ़ी लोगों ने मुझे दुआएं दी इससे। और इसमें इजीली चीज़ें हैं, इसमें है मिश्री, ये अगर करीब करके दिखा देंगे इसलिए मैंने ऊपर रख लिया। मिश्री, मिश्री का वज़न लेना है 50 ग्राम। सिंघाड़े, सिंघाड़े इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। और ये एक लकड़ी आती है मस्तकी की लकड़ी, मस्तकी का गोंद भी आता है, मस्तकी की एक दरख्त का नाम है। अच्छा जी, ये मस्तकी की लकड़ी है, इसका वज़न लेना है 10 ग्राम। इनका वज़न इम्पोर्टेंट है, जैसे मिश्री 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, मस्तकी की लकड़ी 10 ग्राम, गाजर के बीज ये लेने 10 ग्राम। अच्छा ठीक है, इन तमाम को मिला के बारीक पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, एक गिलास दूध के साथ लगातार 3 महीने यूज़ करें। अभी आप किसी दीवार पे एक लकीर लगा लें और 3 महीने के बाद चेक कर लें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। दूध के साथ देना है सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। और दूसरी चीज़ होती है हार्मोन्स का अनबैलेंस। जब भी कोई दवाई वगैरह खाती तो अम्मी और अब्बू हमेशा ये साथ में कॉफ सिरप भी पिलाते हैं, अल्लाह शाफी अल्लाह। और हार्मोन्स का अनबैलेंस होना ये खवातीन में बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रोलैक्टिन होता है, और बाज़ लोगों का सिर्फ इंसुलिन जो है अनबैलेंस हो रहा होता है, FSH लेवल अनबैलेंस हो रहा होता है, इसकी वजह से एग्स भी मिच्योर नहीं हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बे औलादी की प्रॉब्लम होती है। और कमर में अक्सर दर्द रहता है, नाफ के नीचे नलों में दर्द रहता है, उसको दूर करने के लिए ये गाजर के बीज, इसका वज़न लेना है 10 ग्राम। ये एक गुटी आती है लूत पठानी, लूत पठानी, लूत पठानी, इसका पाउडर बना लेना है। हमारा पिशावर से तो नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, ये पिशावर से नहीं आया। अच्छा, फिर पठान का इसे ढाक की लकड़ी भी कहा जाता है। और गुले पिस्ता, पिस्ते के फूल, इसका वज़न भी लेना है। सुंदर पठान, ये यहाँ पे मैं पाउडर में लेकर आया हूँ सारी चीज़ें, ये है गुले पिस्ता पाउडर, ओके, इसका वज़न भी लेना है 50 ग्राम। लूत पठानी 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, और गाजर के बीज 10 ग्राम। इनको मिक्स कर लें, मिक्स करके आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध के साथ, साथ में अरके मको पिएं, एक कप सुबह एक कप शाम। अपने अब मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा शुरू करें, 3 महीने यूज़ करें, हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे और इंशाल्लाह बेऔलादी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, अल्लाह पाक औलाद भी देगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। तीसरी रेमेडी मेरी है कि गाजर से वज़न किस तरह कम किया जा सकता है। वज़न कम करने के लिए एक छोटी सी ड्रिंक है, आप ये बना के इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला कम से कम महीना 2 महीना यूज़ करें, पेट हिप्स थाइस वगैरह भी कम होगी, और प्लस जिन लोगों की खून की कमी की वजह से फूल रही होती हैं ये उसको भी दूर करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि खून की कमी की वजह से बॉडी में स्वेलिंग, मोटापा आता है उल्टा, और दूसरा लोग भी इनको इतनी बातें करते हैं कि वो जो खून की कमी है ना, कि वो और खून सड़ता है बेचारे का, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा जी। इसमें हम डालेंगे गाजर जी। अच्छा, आधा काम छुरी करिए, आधा काम इनके हाथ छुरी से करिए, पर तोड़ दे स्पीड जी। हां, टाइम। इसमें एक लीमू निचोड़ेंगे, जबरदस्त सॉल्ट पाउडर, इसमें नहीं है सॉल्ट, साबुत भी डाल सकते हैं और पाउडर भी डाल सकते हैं इसका, अदरक या अदरक, अच्छा बड़ा टुकड़ा नहीं, नहीं छोटा पीस डालना है, छोटा पीस डालना होता है। अच्छा, आपा कहती ना कि अपने अंगूठे जितना डालना चाहिए। इसमें डालेंगे ये जीरा, जीरा और हरके गुलाब, हरके हरके गुलाब पी भी सकते हैं। हाँ पी भी सकते, बिल्कुल बिल्कुल कर दें जी। कंप्लीट हो गई है, जीरा अदरक लेमन और गाजर, इसका आप ड्रिंक बना लें,
एक गिलास रोजाना पिए, किसी भी वक्त पिए, जरूरी नहीं है कि सुबह निहार मुँह पिए, किसी वक्त भी पिए। थोड़ा सा आलू चावल गोभी पराठा बड़ा गोश्त ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा सा भूख रख के खाएं। अगर तीन टाइम खाना खाते हैं तीन टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा सा भूख रख के खाएं और साथ में वॉक करें। एक मिनट में 62 कदम के हिसाब से आधे घंटे की वॉक करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कपड़े भी लूज होते जाएंगे, वजन भी कम होता जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, और साथ में आज हकीम बासित साहब जो हमारे यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है उनके लिए हर्बल हेरिटेज की जानिब से गिफ्ट भी लेकर, क्या गिफ्ट लेकर आए जी आप? मैं एक तो हर्बल हेरिटेज के ये हेयर टॉनिक है जी, ये बड़ा उम्दा रिजल्ट देते हैं, ये लेकर आए हैं। और फ्लैक्स सीड्स में हमने वजन के लिए जी, ये वजन कम करने के लिए भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करने के लिए, इसके कई फायदे हैं आप गूगल करके देख लें। और ये बेस्ट है, तो ये इसके साशे मैंने इस तरीके से आसानी के लिए साशे बना दिए, इसमें एक साशा सुबह एक साशा शाम शाम को। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो जनाब बालों को भी, बालों का भी ख्याल रखें, ये बाप को देने पड़ेंगे क्योंकि मैं अगर तो मुझे होगा कि सबके लिए नहीं है तो खुद से छीन लेगा। हाँ चले भी, थैंक यू जी जी, जी चले जी, अब मेरे पास खैर एक मिनट है और एक मिनट जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और, गैंग्रीन का इलाज भी हो गया पीआरपी से, अगर जोड़ों में दर्द है उसका इलाज भी हो गया, स्किन का भी होगा, बालों का भी हो गया, और किस चीज़ का इलाज हो सकता है पीआरपी से? बॉडी तो हमारे गम्स के लिए, गम्स के लिए है, हमारे जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो सॉकेट हमारा हील अप नहीं हो रहा होता उसको हीलिंग फास्ट करता है, उसके लिए भी हीलिंग फास्ट करता है। अच्छा जी, सब मैं एक और चीज़ में जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि सफारी पार्क और जो डायरेक्टर सफारी पार्क हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए कि आप हमेशा बहुत अच्छे होस्ट साबित होते हैं और हम आते हैं, बहुत मज़ा आता है मेरा शो करने का, सुबह सुबह का नज़ारे भी कमाल है, खूबसूरत जगह है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। आप क्या ऐड करना चाहती हैं? मैं ये कह रही थी बॉडी लिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है चलें बॉडी लिफ्टिंग के लिए भी। और गाजरों का इस्तेमाल जितना किया जाए, 2 महीने के लिए अच्छी लाल गाजरें आती हैं, इनका जितना मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें, क्योंकि बाद में ऑरेंज गाजरें आती हैं और वो अगर आप खाएंगे तो उन्हीं के बारे में पंजाबी में कहा जाता है कि जिना खाए गाजरा ओना टेड फीड। तो ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा, शाद रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते बड़े ही स्पेशल शो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।